वहाँ पे एक बहुत बड़ा बंदा था जिसने कि मेरे साथ मेरा सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन करने की कोशिश की थी। बच्चा था, मैं भाग गया, फिर दोबारा कभी क्रिकेट के बारे में सोचा नहीं। कास्टिंग काउच एग्जिस्ट करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एक ऐसी चीज़ है, अगर किसी बच्चे के साथ वो हो तो वो जहन में ज़िंदगी भर रहेगा। वो एक ऐसा दर्द है जो कि कभी भी जाता नहीं है। बचपन में जो हुआ वो डेफिनेटली बहुत ही वाहियात मेमोरी है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ है वो ऐसे शख्स जिसे किसी परिचय का मोहताज नहीं है। हम बात कर रहे हैं आप सभी के चहेते अनोखे लाल जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी वेरी मच। परिचय के मोहताज नहीं, बट ऑब्वियस, क्योंकि आपको अभी सक्सेना कहने की जरूरत नहीं, अभी अनोखे लाल सही लोग जानते हैं आप। तो बहुत कुछ चल रहा है मेरे भाई, और मैं इस बात से बेहद खुश हूँ कि जो मैं करना चाहता था वो कर पा रहा हूँ। एज एन एक्टर मुझे बहुत कुछ करने को मिल रहा है, वेरिएशन ज़बरदस्त है मेरे पूरे बॉडी ऑफ वर्क में, और यही आइडिया भी था। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक्टिंग से पहले एक बहुत ही सिक्योर जॉब में था, और जी कॉरपोरेट सेक्टर में काम करता था, बहुत बढ़िया सैलरी थी। पर वो नौकरी मैंने छोड़ी ही इसलिए थी कि मुझे बेसिकली ये मैं चाहता था कि एज एन एक्टर मैं बहुत वैरायटी ऑफ रोल्स करूं, और इंडियन सिनेमा में या पूरे जो भी हिंदी एंटरटेनमेंट सेक्टर है उसमें ऐसे एक्टर्स जो हैं वो ना के बराबर मुझे नज़र आते हैं इंडिया में, जो कि जनरली वेरिएशन देते हों। सब टाइप कास्ट हो जाते हैं एक पॉइंट पे आके, और फिर वही सेम टाइप का काम करते रहते हैं। तो मुझमें ऐसा टैलेंट मुझे फील होता था कि मैं बहुत वेरिएशन क्रिएट कर सकता हूँ। तो यही मेरा आइडिया था बेसिकली। तो उस वजह से तो अभी भगवान की दया से बहुत कुछ, भाभी जी तो करता ही रहता हूँ, वो तो अभी 10वां साल शुरू हो गया, और ऊपर वाले की दया है मेरे ऊपर के मुझे ऐसा शो मिला। नॉर्मली अगर आप ध्यान दें कि टेलीविज़न शोज़ जो हैं उसका लाइफ ऑन एन एवरेज 6 महीना 1 साल रहता है, ये हमारा 10वां साल शुरू हो गया। तो ऐसे शोज़ जो हैं वो कभी कभार यानी युगों में एक बार आते हैं उस टाइप का। तो वैसे शो का ऊपर वाले ने मुझे हिस्सा बनाया, और ऐसा वैसा हिस्सा नहीं बनाया, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, यानी जब भाभी जी की शुरुआत हुई थी, जब कॉन्सेप्ट सुनाया जा रहा था, पिच किया जा रहा था, तो उस समय बस 5 ही कैरेक्टर थे, 4 वो और 1 सक्सेना, और छठा कोई था ही नहीं, बाकी सब बाद में डेवलप हुए। तो एक तरह से मेरा जो है वो लीडिंग कैरेक्टर है शो में, और मेरी वजह से ही सब कुछ होता है। तो आई एम एज़ गुड एज़ पावरफुल एज़ एनी लीड एक्टर इन दैट शो। तो इतना बढ़िया मुझे शो मिला, और उसके अलावा मुझे इतना फ्रीडम ऊपर वाले की दया से इतना फ्रीडम मुझे मिला कि मैं बहुत सारे अलग अलग काम कर पाया। तो अभी बहुत कुछ कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया बढ़िया फिल्में आ रही हैं मेरी। एक फिल्म है जिसका नाम है विजय 69, ये विलन बन रहा है। जी ये यशराज की फिल्म है, उसमें मैं विलन हूँ और अनुपम खेर साहब हैं उसमें, और वो फिल्म रिलीज़ होने वाली है मेरे ख्याल से नेटफ्लिक्स पे। ऑफिशियली अभी तक मुझे उतना कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं आया, पर जहाँ तक मैंने सुना है नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ होगी। तो वो एक बड़ी फिल्म है जिसमें मेरा ज़बरदस्त कैरेक्टर है। उसके अलावा एक और पिक्चर मैंने की है, सुपर वुमन, जिसके डायरेक्टर का नाम है ज़ैगम इमाम, उन्होंने नक्काश नाम की एक पिक्चर की थी, और उस फिल्म में मेरे को एक्टर हैं श्री तिग्वांशु धूलिया, जो कि गज़ब के डायरेक्टर तो हैं ही, साथ ही साथ एक बड़े शानदार एक्टर भी हैं वो। तो उनके साथ बहुत बढ़िया रोल मैंने किया है, बहुत उनके साथ एक कैमरेडरी, एक ज़बरदस्त ट्यूनिंग है मेरी फिल्म के दौरान, और बहुत बढ़िया दोस्ती हुई उनसे, बहुत कुछ सीखने को मिला। तो वो फिल्में की है मैंने। उसके अलावा एक और पिक्चर है मेरी जो कि अभी मैं उसका शूट फिनिश नहीं हुआ है, थोड़ा सा बाकी है, सेक्शन 108, उसमें रेजिना कैसेंड्रा हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं, अरबाज़ ख़ान साहब हैं, ये रसिक ख़ान ने डायरेक्ट की है, रसिक ख़ान जो कि
अनीस बज़मी के एसोसिएट रहे हैं कई वर्षों तक, तो उन्होंने डायरेक्ट किया। उनकी ये डेब्यू मूवी सेक्शन 108, तो उस फिल्म में भी मेरा लीडिंग रोल है, तो वो भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और उसके अलावा एक और बहुत शानदार फिल्म मैंने की है जिसका नाम है चक्कर घिन्नी। ये फिल्म शूट फिनिश हो गया है इसका और अभी पोस्ट में है। ये फिल्म बहुत चैलेंजिंग रही क्योंकि बहुत ठंड में हम लोगों ने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में शूट किया इसको, और बहुत माइंड ब्लोइंग रोल है मेरा। और जो स्क्रिप्ट भी है वो बहुत ज़बरदस्त फनी स्क्रिप्ट है। तो और ये जो डायरेक्टर हैं इनका नाम है श्रीकांत विश्वकर्मा। इन्होंने इसके पहले एक और फिल्म डायरेक्ट की है जिसका नाम है काठगोदाम, वो भी रिलीज़ पे ही है अभी। तो दोनों फिल्मों में से पहले चक्कर घिन्नी रिलीज़ होगी, उसके बाद काठगोदाम रिलीज़ होगी। तो दो फिल्मों का बेसिकली पैकेज बनाया है श्रीकांत विश्वकर्मा साहब ने। सौरभ अग्रवाल प्रोड्यूसर है, फेवरिश फिल्म्स प्रोडक्शन हाउस का नाम है। तो उन्होंने ये जो दो फिल्मों का पैकेज बनाया, तो चक्कर घिन्नी में मेरा किलर रोल है बिल्कुल। उसके अलावा एक और पिक्चर है मेरी माँ कर्मा, जो कि 5 अप्रैल को रिलीज़ है थिएटर में। ये छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड वगैरह में रिलीज़ होगी। फिर कुछ दिन बाद ये यूपी वगैरह में भी रिलीज़ होगी। लिमिटेड रिलीज़ है क्योंकि माता कर्मा, जैसे संतोषी माँ का प्रताप था, संतोषी माँ जब मेरी जय जय संतोषी माँ जब पिक्चर आई थी उसके बाद लाखों करोड़ों लोगों ने समझा था संतोषी माता को और उनका व्रत रखना शुरू किया था। उस लेवल की ये फिल्म है। मृत्युंजय सिंह इसके डायरेक्टर हैं, मेरी माँ कर्मा। तो इसमें माता कर्मा जो कि छत्तीसगढ़ की साहू समाज की बेसिकली वो एक आराध्य हैं, तो उनकी उनके ऊपर ये फिल्म बनाई गई है। और बहुत ही दिल को छूने वाली फिल्म है जिसमें कि कॉमेडी भी है, ड्रामा भी है और एक रिलीजियस टच भी है। तो बहुत बढ़िया वो भी फिल्म है। तो इसी तरह की चीज़ें चल रही हैं। चलिए, जैसे आपने कहा 10 साल भाभी जी के, आई थिंक इंडस्ट्री में लगभग 14 साल से ज़्यादा समय हो गया। जी जी, मैं 2010 से आप पकड़ 2009 से पकड़ लें, हाँ तो 14 साल जी 14 साल लगभग हो गया इंडस्ट्री में। आज उस सफलता के मुकाम पर हैं, हर कोई पहचानता है, बट आज हम आपको उस दौर में लेके जाना चाहते हैं जब आप पढ़ाई कर रहे थे, राइट, जब आपको ये भी नहीं पता था कि आप एक्टिंग करने वाले हैं। वो एक्टिंग का कीड़ा आपके अंदर कैसे आया और वहां से कैसे शुरुआत हुई और ये एक्टर बनने का जो सपना हुआ वो कैसे हुआ, थोड़ा उसके बारे में बताइए। असल में प्रॉब्लम ये रही कि मुझे बचपन से ये महसूस होता रहा कि मैं एक नेचुरल एक्टर हूँ, ये मुझे बचपन से महसूस होता रहा। और मैंने कुछ स्टेज प्ले वगैरह भी किए जब मैं पटना में था, तो मुझे हमेशा ये महसूस हुआ कि मैं एक एक्टर हूँ। पर हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ख़राब थी कि मैं अपना एक्टिंग का जो ड्रीम था उसको परस्यू नहीं कर सकता था क्योंकि खाने पीने की दिक्कत थी, है ना। पहले पेट में अन्न जाएगा तब तो एनर्जी आएगी, तब तो एक्टिंग करेंगे या कोई भी काम करेंगे। अगर खाने का ही जुगाड़ नहीं है तो आदमी क्या करे, है ना। मरता क्या ना करता। तो सब कुछ किया हमने, है ना। हमारे पिताजी का पब्लिशिंग का बिजनेस था तो उसमें उनका हाथ बटाया, दुकान पर जाके किताब बेची होलसेल में। और लेकिन क्या था कि मेरे पिताजी भी एक साहित्यकार थे और हमारे जो संस्कार रहे वो संस्कार साहित्यकार वाले रहे और कलाकार वाले रहे, क्योंकि मेरे नाना बहुत बड़े चित्रकार थे, बहुत बड़े चित्रकार थे और बड़े गुणी व्यक्ति थे। संगीत का बहुत उनको संगीत के प्रति रुझान था और मेरे पिताजी बहुत महान उपन्यासकार थे, उपन्यासकार थे, कवि थे। तो हमारे घर में हमेशा वो वाला माहौल था और मैं एक नेचुरल सिंगर और एक्टर था, तो कुछ स्टेज प्ले वगैरह भी किया और हमेशा से मेरे मन में यही था कि मैं एक्टर बनना है मुझे, लेकिन कभी भी एक्टिंग का ड्रीम परस्यू नहीं कर पाया फाइनेंशियल रीजंस। तो फिर धीरे धीरे ऐसी सिचुएशंस आती गई कि लगा रहा, मैं नौकरियों में ही लगा रह गया क्योंकि अपने आप को पहले इस्टेब्लिश करना था, पहले इस लायक बनना था कि खाने पीने का ना सोचना पड़े, है ना। और जिस दिन ऐसा मुझे महसूस हुआ कि अब मैं कम से कम इतना तो कर सकता हूँ कि अपनी फैमिली को खिला सकता हूँ और एक्टिंग के लिए कोशिश कर सकता हूँ, उसी दिन मैंने नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ के एक्टिंग के लिए कोशिश करने लगा। तो बेसिकली ये सब प्रारब्ध है, ये सब ऊपर वाले की स्क्रिप्ट है और
हम लोग बिना मतलब का इतना हीरो बनते रहते हैं। एक्चुअली हीरो बनने की ज़रूरत है नहीं, इकलौता हीरो ऊपर बैठा है, वही सब सोचता है, वही सब करता है। हमको अपने कर्म करने हैं। और अब सोचिए ना, अगर मैंने जो शुरुआत 2009 में की, अगर मैंने उसको और पहले किया होता तो शायद शाहरुख खान के बंगले की जगह आज मेरा बंगला होता है ना। तो मेरे नसीब में वो नहीं था कि मैं उस समय शुरू कर पाऊँ, वो ऊपर वाले ने नहीं लिखा था। पर मैं वही हूँ ना जिसको खाने की तकलीफ़ थी, खाने के पैसे नहीं रहते थे। और एक टाइम ऐसा आया जब ऊपर वाले ने मुझे ऐसी नौकरी दी जिसमें कि मुझे 40 लाख से ज़्यादा सैलरी थी। और वो भी ऐसा नहीं कि मैं कोई जाके आया हूँ अहमदाबाद से MBA का कोर्स करके आ गया, कुछ नहीं, कभी गया नहीं था स्कूल, कभी स्कूल कॉलेज गया ही नहीं हूँ मैं, आप सोचो। लेकिन जीवन से सीखते सीखते लगातार एक्स्ट्रा टाइम लगा के मेहनत कर करके बाकी के कुलीग्स, हाँ, अगर 8 घंटे काम करते थे तो मैं 20 घंटे काम करता था। तो मैं लगातार सीखता रहा, मैंने अपनी एनर्जी को सीखने में लगाया। तो भले किसी यानी एकेडमिकली मेरे पास बहुत ज़बरदस्त डिग्रीज नहीं है, लेकिन नॉलेज जो है वो बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि मैंने सीखा, बाहर सीखा, मैंने किताबें पढ़ी, मैंने समझा, मैंने लोगों से पूछा, अपना ज्ञानवर्धन लगातार करता रहा। और यही वजह है कि जब मैं कॉरपोरेट में भी था तो मेरे सबऑर्डिनेट्स जो मेरे अंडर में काम करते थे वो बड़े बड़े, कोई ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आया था, कोई IIM से पढ़ के आया था, बड़े बहुत, तो यानी हाईली क्वालिफाइड, हाईली एजुकेटेड लोग जो थे वो मेरे अंडर में काम करते थे। मैं उनका बॉस था, मैं उनका अप्रेजल करता था, आई वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर फ्यूचर, यू नो। तो उनको ग्रूम करता था, आप सोचो। अब मैं जो कि कभी स्कूल कॉलेज नहीं गया, मैंने ग्रेजुएशन जो किया है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स में किया, यानी गया नहीं कभी क्लास में, सीधा एग्जाम देने गया, घर से बैठ के गया, नौकरी कर रहा था उस समय, जर्नलिज्म कर रहा था, है ना, दिल्ली में दैनिक जागरण में काम करता था, मैं पत्रकारिता कर चुका हूँ ना, मैं अच्छा खासा, बहुत लंबी चौड़ी मेरा जर्नलिज्म का एक करियर रहा है। मुंबई में भी आके यहाँ दोपहर का सामना में ही सबसे पहले मैंने काम शुरू किया था, उस समय मेरे बॉस संजय निरुपम हुआ करते थे, तो दोपहर का सामना में किया। फिर RK करण जिया का अखबार ब्लिट्स में, वहाँ मैंने काम किया उसके हिंदी संस्करण में। और उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चला गया, टाइम वीडियो में, वहाँ पे मेहनत की। फिर हिंदुजा में नया चैनल लॉन्च किया, पहला केबल चैनल इंडिया का लॉन्च प्रोग्राम था, वो मैंने डायरेक्ट किया था 1 घंटे का, और मैं वहाँ पर जॉब करता था। फिर फाइनली एक सिचुएशन ऐसा आया जब मुझे लगा कि बॉस बहुत हो गया, मैं हूँ एक्टर, हूँ कलाकार, कब तक कॉरपोरेट वाला काम करता रहूँगा। हालांकि क्रिएटिव काम था वो भी, डायरेक्शन था, एडिटिंग करता था, अपना वॉइस ओवर खुद देता था, उसी में म्यूजिकल भी हो जाता था, गाने भी गाने लगता था, तो क्रिएटिव काम ही करता था। शायद यही वजह थी कि मैं इतना लंबा सर्वाइव कर पाया। तो फिर फाइनली एक दिन समझ गया मैं कि अब निकल जाना चाहिए और फुल फ्लेजेड, फुल टाइम प्रोफेशनल एक्टिंग की तरफ फोकस करना चाहिए। तो बस मेरे पास सिचुएशन यही थी कि घर वाले जो हैं वो 2 वक्त की रोटी खा सकें, और कुछ लग्जरी नहीं हो सकता था, बस 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ था, है ना। ये स्थिति जब आई तो मैंने नौकरी छोड़ दी, और उसके बाद गाड़ी बेच के, आपको पता ही है, मैंने अपने कई इंटरव्यूज़ में बताया है कि कैसे गाड़ी मैंने बेची, क्योंकि उसका EMI भरने के पैसे नहीं बचे। सारा पैसा जो मुझे मिला था वो मैंने अपने घर के होम लोन में लगा दिया था, तो गाड़ी का EMI भरने के पैसे नहीं बचे, तो गाड़ी बेच के लोन जो था गाड़ी का वो फोरक्लोज किया। उसके बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट ट्राई किया मैंने, बस में गया, ट्राई किया, फिर ट्रेन में गया, नहीं हुआ मुझसे। तो फिर फाइनली मैंने पैदल चलने का रास्ता अपनाया, सुबह 6 बजे उठता था, 1 बजे दोपहर में आता था अंधेरी। हाँ, मैंने सुना है आप, हाँ, वो मीरा रोड टू अंधेरी पैदल आते थे, और really it's... हाँ, और वापस जाता भी था पैदल, तो रोज़ 14 घंटे पैदल चलता था मैं। सुबह 6 बजे उठता था, 1 बजे आता था, 1 घंटा 1.5 घंटा यहाँ बैठा रहता था, ये इन्फिनिटी के सामने जो चाय की टपरी है वहाँ, उसके बाद फिर ऑडिशन दे के फिर पैदल जाता, रात के 11 बजे पहुँचता था, तो रोज़ 13-14 घंटे का वॉक रहता था मेरा। पर उस दौरान भी मैं कभी दुखी नहीं हुआ, उस दौरान भी मैंने हमेशा पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से ही काम लिया। उस दौरान भी जब मैं वॉक करता था तो मैं लोगों को ऑब्ज़र्व करता था, तो ऑब्ज़र्वेशन टेक्निक को यूज़ करके मैं सीखता था, कोई रिक्शा वाला है वो कैसी बॉडी लैंग्वेज है उसकी, कैसे बात कर रहा है ना,
या कोई दुकानदार है, या कोई रोड साइड वेंडर है ना, या कोई जस्ट ऐसे पेडेस्ट्रियन है जो सामने दिख जाए, पैदल जा रहा है, एनीबडी, तो पूरा पूरी पूरी दुनिया दिख रही है ना आपको। आप जब ऐसी गाड़ी में जाते हो तो आपको पूरी दुनिया नहीं दिखती है, आप अपने में ही लगे रहते हो, पर जब आप पैदल जा रहे हो तो पूरा खुल जाता है, सब कुछ खुला है, खुला आसमान है, खुली ज़मीन है, सब कुछ खुला है ना। देन यू कैन रियली ऑब्जर्व अ लॉट ऑफ थिंग्स, और उस ऑब्जर्वेशन टेक्निक से आपकी एक्टिंग बहुत इम्प्रूव होती है। अगर आपने उसको सही ढंग से ऑब्जर्व किया ना, तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है। तो यही वजह है कि मैं आज के डेट में इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि आप मुझे किसी भिखारी का रोल देंगे तो वो भी पूरे कन्विक्शन के साथ करूँगा, और अगर आप मुझे किसी मल्टीनेशनल कंपनी के CEO का रोल देंगे तो वो भी उसी कन्विक्शन के साथ करूँगा, दोनों करूँगा, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस हर क्लास का है। अप मार्केट का एक्सपीरियंस भी है, डाउन मार्केट का भी एक्सपीरियंस है, हर चीज़ देख चुका हूँ, भुखमरी भी देखी है और लग्जरी लाइफस्टाइल भी देखी है ना। तो क्योंकि हर चीज़ देख चुका हूँ और अच्छे से उसको अपने अंदर ग्रास्प कर चुका हूँ, इसी वजह से मैं वैरायटी ऑफ रोल्स कर पा रहा हूँ, और सब में अलग अलग, जैसे आपने पटाखा में देखा होगा तो उसमें एक रिच राजस्थानी विलेजर बना हूँ मैं, है ना, सेक्रेट गेम्स में एक गुज्जू गैंगस्टर बना हूँ मैं, सब में अलग अलग रहता है, वेरिएशन जो है ना वो आपको दिखेगा। अपहरण में एक बिहारी बिजनेसमैन बना हूँ, ठरकी बिहारी बिजनेसमैन बना हूँ, यू नो, तो सब में आपको वेरिएशन नज़र आएगा बहुत। इवन सक्सेना में ही अगर आप देखें, भावे जी घर पर है, मैं उसमें सक्सेना पागल आदमी है, वो कुछ भी बन जाता है, कभी भी कुछ भी कर सकता है, उसका कोई भरोसा ही नहीं, तो मैं कभी भी कुछ भी करता हूँ, कुछ भी बन जाता हूँ, कभी मैं लॉयर बन जाता हूँ, कभी मैं टीचर बन जाता हूँ, कभी मैं प्ले राइट बन जाता हूँ, कभी मैं एड फिल्म मेकर बन जाता हूँ, तो आई कैन डू एनीथिंग एज सक्सेना ऑल्सो। तो मैं बहुत लकी हूँ, आई एम वन ऑफ दोज फ्यू एक्टर्स हु आर यू नो बींग एबल टू डू एनीथिंग यू नो विथ अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्टाइल एंड टेक, एक अप्रोच अलग अलग रख के हम अलग अलग काम कर पा रहे हैं, ये एक बहुत बड़े नसीब की बात है जो हर एक्टर को नहीं मिलती है। ये सब यही एक अच्छे एक्टर की निशानी भी है कि वो अलग अलग वेरिएशन में अपने आप को अलग अलग तरीके से दिखा सके, क्योंकि सेम चीज देखने के बाद आदमी बोल जाता है आपका ये वेरिएशन ही आपका ये अच्छे कलाकार की निशानी है। बट जैसे आपने कहा कि चूंकि आप अपने सपनों को जीने के लिए पहले तो आपने यू नो उस लायक बनाया, फिर आप अपना जो ड्रीम था उसको जीने के लिए आपने किस तरह से स्ट्रगल किया, क्योंकि ये इंडस्ट्री आपको भी पता है इतना यू नो इतनी आसान नहीं है, आपका कोई अगर कोई नहीं है गॉडफादर या कोई नहीं है इंडस्ट्री तो यहाँ सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। और इस इंडस्ट्री में ऐसा कहा जाता है, एक वर्ड है कास्टिंग काउच, क्या कभी इस तरह की वर्ड या ऐसे लोगों से ऐसे शख्स से कभी सामना हुआ आपका कभी लाइफ में हुआ था? एक्चुअली मेरा ना क्रिकेट में एक बार हुआ था एक बंदे से, मैं जब बच्चा था मुश्किल से आप समझ लें कि 10-12 13 साल का रहा होगा, तो जैसे कि इंडिया में हर बच्चे को सबसे पहले क्रिकेटर बनने का मन करता है, तो मेरा भी मन था क्रिकेटर बनने का, तो मैंने क्रिकेट के लिए ट्राई किया था बिहार में, हैं पटना में, और हम गरीब थे क्योंकि बहुत ज़्यादा, तो पिताजी कैसे कैसे वाइट शर्ट और वाइट पैंट वगैरह जुगाड़ किया था उन्होंने, और एक सस्ता सा बैट वगैरह। वहाँ पे एक बहुत बड़ा बंदा था जिसने कि मेरे साथ मेरा सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन करने की कोशिश की थी, और मैं उस डर साल को हाँ और उस डर के बारे में इतना बच्चा था मैं भाग गया, फिर दोबारा कभी क्रिकेट के बारे में सोचा नहीं। तो उसमें हुआ था, जहाँ तक अपनी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, यहाँ पे डेफिनेटली ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कास्टिंग काउच एग्जिस्ट करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये है सच। पर फॉर्चुनेटली मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, मुझे कभी भी किसी ने इस ढंग से नहीं बोला, और उसकी शायद एक बड़ी वजह ये भी है कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो ऐसा है कि लोगों को पता है कि मैं मैंने कोई किसी ऑर्डिनरी बैकग्राउंड से आता नहीं हूँ, मैं बहुत मैंने मल्टीनेशनल कंपनी में मैं हाई लेवल पे काम कर चुका हूँ, हाँ, तो उनको पता है कि इस बंदे को आप कुछ बोल नहीं सकते हैं। और शायद मेरा नसीब जो है वो कुछ ज़्यादा ही अच्छा है कि मुझे इस तरह के लोग जो कि जिनका रुझान इस तरफ है वो मुझे ऐसे मिले नहीं। और एक और शायद वजह हो सकती है कि आई वॉज नॉट इन माई 20s व्हेन आई स्टार्टेड एक्टिंग फुल टाइम प्रोफेशनल एक्टिंग, आई वॉज नॉट इन माई 20s, जब जो 20s में रहते हैं लड़के,
है ना, उनके साथ ये होता होगा ज़्यादा। मैं तो इन एनी केस 20s में था नहीं, मेरा प्राइम 20s वाला निकल गया था, मैं 30s में था, है ना। तो 30s में था तो 30s वो भी स्क्रीन प्रेजेंस के हिसाब से 30s में था, तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरे साथ हुआ नहीं, पर ये डेफिनेटली होता है। और बहुत सारे मेरे कोलीग्स हैं, हैं उन्होंने मुझे बोला भी है इस बारे में कि कैसे उनको उनके साथ ये सब किया गया है। तो ये होता है और बहुत दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने बोला जब 12 years 12 साल की उम्र जब इस तरह का ऐसी चीज़ों का सामना करता हूँ, हालांकि जाहिर से बच्चे थे आप डर भी गए थे, वो डर रहता है अभी भी आपको, वो चीज़ वो मेमोरी दिमाग में जहन में रहती है वो बातें? मेरे जहन में देखिए क्या है ना कि सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एक ऐसी चीज़ है, अगर किसी बच्चे के साथ वो हो तो वो जहन में ज़िंदगी भर रहेगा। वो एक ऐसा दर्द है जो कि कभी भी जाता नहीं है, पर इसमें ये है कि यू हैव टू ओवरकम, आपको उसको अपने दिमाग से निकाल के आगे बढ़ना पड़ता है। तो मेरे साथ जो कुछ भी हुआ बचपन में जो हुआ वो डेफिनेटली बहुत ही वाहियात मेमोरी है, हैं, लेकिन क्योंकि मेरे साथ बचपन में और भी इतनी वाहियात चीज़ें हो चुकी हैं, यानी अभी बंदा जो है वो अगर पूरा एक एक सांस लेने के लिए स्ट्रगल कर रहा है ना, ना रहने का ठिकाना, ना खाने का ठिकाना है, आपको बस यही सोचना है कि आज खाना मिलेगा कि नहीं। जब उस कंडीशन में बंदा है तो इतना जो बंदा ऑलरेडी कष्ट झेल चुका है जीवन में ना, तो उसके लिए कोई भी कष्ट मायने नहीं रखता, फिर वो ना बहुत ज़्यादा ताकतवर बन जाता है। ऊपर वाला उसका इतना इम्तहान ले चुका होता है, इतना इम्तहान ले चुका होता है ना, कि वो बहुत स्ट्रांग बन जाता है, समझ रहे हैं। तो मेरे साथ वही हुआ है, मैं इतना कुछ झेल चुका हूँ अपनी ज़िंदगी में ना कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, तो अब मुझे किसी चीज़ से फ़र्क पड़ता ही नहीं। अब आप मुझे यानी मेरा ये मानना है कि यू कैन नॉट मेक मी अनहैप्पी विदाउट माई परमिशन, वो मेरा दिमाग जो है वो मुझे जब अलाउ करेगा तभी मैं अनहैप्पी होऊंगा ना। तो मैं अभी इतना कुछ झेलने के बाद जो उसका सबसे बड़ा एक तरह से प्रसाद ऊपर वाले ने मुझे दिया है, वो प्रसाद यही है जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं कि मैं एक निर्भीक व्यक्ति हूँ, पूरी तरह से निर्भीक हूँ, निर्भय हूँ, बिल्कुल डर नहीं लगता किसी भी बात का, किसी भी चीज़ का, कोई इनसिक्योरिटी नहीं है। ये अलग बात है कि दुनिया का सबसे इनसिक्योर्ड काम मैं करता हूँ, एक्टिंग मेरे हिसाब से दुनिया का सबसे इनसिक्योर्ड जॉब है, बावजूद इसके आई एम एब्सोल्युटली नॉट इनसिक्योर्ड। बट बहुत ही अच्छी एक्टिंग करते हैं, और शायद यही वजह कि अलग अलग वेरिएशन में आप देखते हो, फिल्मों में देखते रहे ज़्यादातर, इतना अच्छा है सब कुछ यू नो, फिर भी टीवी नहीं छोड़ते आप, इसके पीछे की वजह? एक्चुअली मैं टीवी नहीं छोड़ता हूँ ये मैं नहीं बोलूँगा, मैं भाभी जी नहीं छोड़ता हूँ, हाँ। टीवी तो हाँ, क्योंकि भाभी जी जो है ना वो मेरा एक इमोशनल कनेक्ट बहुत ज़बरदस्त है उस शो से। पहली बार मुझे जो फेम मिला, पहली बार जो मुझे फील हुआ कि मैं एक स्टार बन गया हूँ, बहुत पॉपुलर, हाँ, घर घर में पहचान, वो भाभी जी की वजह से हुआ। तो मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो कि हमेशा अच्छाई और लॉयल्टी और इंटीग्रिटी पे ध्यान देता है, समझ रहे हैं ना। मैं स्वार्थी आदमी नहीं, मैं अपने मतलब के लिए कोई काम नहीं करता हूँ, मैं ये समझ के चलता हूँ कि मेरे जो कर्म हैं वही मेरे साथ जाएंगे और कुछ नहीं। तो अपने कर्मों को अच्छा रखना है। तो मेरा मानना है कि जिस शो ने मुझे इतना कुछ दिया उस शो को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, तो मैं उसको कभी छोड़ता नहीं। तो इसलिए टीवी पे भी, और दूसरी बात एक ये भी है मेरे भाई कि टेलीविज़न भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें कि आजकल सब मिक्सअप हो गया है, टीवी, मैं तो स्टेज भी कर रहा हूँ, थिएटर भी कर रहा हूँ, है ना। तो टीवी हो गया, वेब हो गया, थिएटर OTT हो गया, टेलीविज़न हो गया, थिएटर हो गया, सब आजकल ना इस ढंग से हो गया। बस थिएटर थोड़ा अलग होता जा रहा है, वहाँ पे बहुत लार्ज स्केल पे काम होता है, बड़े बजट की फिल्में वो चलने लगी हैं, बाकी OTT और ये है, तो सब एक ही है, हमको परफॉर्म करना है और क्या। तो मैं कभी छोड़ूंगा भी नहीं, आपने जो सब बोला, ना तो भाभी जी छोड़ूंगा और ना ही टीवी छोड़ूंगा। टीवी में भी हो सकता है कभी कोई बहुत, अमिताभ बच्चन साहब टीवी में काम करते हैं, हैं, करण जौहर साहब करते हैं, कितने बड़े बड़े सलमान खान साहब करते हैं, तो क्यों छोड़ें टीवी, हर काम करें। जिसको दर्शक, जहाँ दर्शक देखते हैं, दर्शक हमारा भगवान है, दर्शक जहाँ उपलब्ध है वहाँ हम जाएंगे। चलिए, अप्रैल फूल आ रहा है, डे आ रहा है, सबसे पहले कभी आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है, आप इसके शिकार हुए हैं या आपने किसी को बनाया है अप्रैल फूल, कुछ
याद है आपको कुछ? किसका शिकार? अप्रैल फूल बनाया हो किसी को? अप्रैल फूल, यार मैं इस बारे में ना आपको एक बात बोलूंगा तो आपको हैरानी होगी कि मैंने आज तक कभी भी किसी को अप्रैल फूल बनाया ही नहीं अपनी ज़िंदगी में। और इसकी वजह ये है कि मैं ना कभी भी बेवकूफ़ बनाता नहीं हूँ। हाँ, इवन अप्रैल फूल के दिन भी किसी को मजाक में बेवकूफ़ नहीं बनाता हूँ। मैं कभी किसी के साथ प्रैंक नहीं करता हूँ, मैंने ज़िंदगी में कभी प्रैंक नहीं किया। मैं बहुत लोनर आदमी हूँ, क्रिएटिव आदमी हूँ, हमेशा अपनी क्रिएटिविटी में लगा रहता हूँ और मस्त रहता हूँ। तो मैंने आज तक, सच बता रहा हूँ आपको, आपको हैरानी होगी, यकीन नहीं आएगा, पर सच यही है कि मैंने कभी किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाया है, यहाँ तक कि 1 अप्रैल को भी नहीं बनाया है। आपको किसी ने आपके साथ? मुझे बनाते हैं लोग, मुझे बनाते हैं, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगता है, मज़े करता हूँ। चलिए, चूंकि आज मौका है और आपके जो स्टार कास्ट हैं, मतलब भाभी जी जितने भी हैं, उनके कोई, उनके लिए कोई 2 लाइन अपने सक्सेना जी के अवतार में, अगर अप्रैल फूल के हिसाब से बोलना चाहें तो कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, मैं यही बोलना चाहूँगा कि मेरे जितने भी भाभी जी के कुलीग्स हैं, वो सब के सब अप्रैल फूल को इंजॉय करें। हैं, क्योंकि आप सब फूल हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बस अप्रैल फूल के हिसाब से बोल रहा हूँ, ये सक्सेना जी कह रहे हैं। आप सब लोग एकदम गुलाब के फूल हैं, फूल नहीं हैं, गुलाब के फूल हैं, और मैं आप सबसे बहुत प्यार करता हूँ। जब भी आपसे मिलता हूँ, बड़ी खुशबू सी आती है गुलाब वाली, तो बस अप्रैल फूल भी इंजॉय कीजिए मेरे गुलाब के फूलों, आई लाइक इट। लास्ट में चलते चलते ये जरूर जाना चाहेंगे, आप अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर ओपन अप ज़्यादा नहीं होते, मतलब फैमिली को लेकर ये सब कुछ लेकर के, इसकी कुछ खास वजह, मतलब ज़्यादा मीडिया में ज़्यादा बातें नहीं आती हैं? हाँ, इसकी वजह यही है कि मेरा ये मानना है कि लोग मेरी पर्सनल लाइफ की वजह से मुझे याद नहीं रखेंगे, या अगर आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं या लोग मेरा इंटरव्यू देख रहे हैं, तो वो मेरे काम की वजह से देख रहे हैं, ना कि मेरी पर्सनल लाइफ की वजह से। तो मैं उसको थोड़ा सा, एक क्या होता है ना कि मेरे जीवन में कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, मेरे पिताजी भी जब थे तो उन्होंने पर्सनल लाइफ को सही ढंग से मैनेज किया नहीं था, और इस वजह से ना पर्सनल लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी, तो वो सारा ना मेरे माइंड पे इफ़ेक्ट करता है, कर चुका है एक्चुअली, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत संघर्षमय जीवन रहा है, तो उसमें ना बहुत तरह के संघर्ष हुए हैं पर्सनल लाइफ में, समझ रहे हैं? तो मेरे पिताजी का जो मिसमैनेजमेंट था इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग हिज पर्सनल लाइफ, दैट वॉज नॉट वेरी गुड एंड इंस्पायरिंग, यू नो। तो मैं इस वजह से थोड़ा सा उस चीज़ से दूर रहता हूँ, और चाहता हूँ कि पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को एकदम अलग रखें, हैं, ताकि किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना हो, इसी वजह से इसको ऐसा करता हूँ। कभी घर में आपका जो फेवरेट डायलॉग है वो घर में लोग बोलते हैं, मतलब या जो भी घर में है सब लोग बोलते हैं, आपको देख कर ये कभी होता है वो मोमेंट? मैं असल में अपने में ही बहुत मगन रहता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि मेरी माँ जो है वो मुझसे, मेरी माँ है, मेरी बहन है, मुझसे बहुत ज़्यादा ये लोग प्यार करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और बहुत गर्व करते हैं मेरे ऊपर, और बोलते हैं मेरे से आई लाइक इट वगैरह बोलते हैं बीच बीच में। हाँ, मैं अपने फैंस के लिए यही मैसेज दूंगा कि आप लोग बहुत खुश रहिए, आनंदित रहिए, और कभी भी अपने मन को ख़राब मत होने दीजिए। अच्छे कर्म वही हैं जब तक आपका मूड अच्छा है, जब तक आप खुश हैं आपके अच्छे कर्मों का मीटर ऑन है, जब तक आप दुखी हैं आपके बुरे कर्मों का मीटर ऑन है। इसलिए विदाउट एनी रीज़न भी खुश होना सीख लीजिए, तो आपके कर्म बहुत अच्छे रहेंगे और आपको हमेशा स्वर्ग नसीब होगा।